वो मोर का पंख मेरे हाथ में दे दिया जो मैंने चढ़ा था भगवान का आशीर्वाद समझ के। तो 2 घंटे वो चीज वहां पे रहना और वही बिना बोले उसने वापस कर देना, ये एक असंभव जैसी बात है इतनी भीड़ में, वो भी मुझे ही मेरी चीज मिलना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश अग्रवाल है। कहाँ से है? मैं पुणे से आया हूँ। अच्छा, क्या बात है, दर्शन हुआ है? हाँ हुआ है, मैं 8 दिन से यही पे हूँ प्रभु की कृपा से। हमने भागवत कथा श्रवण करी और आज हम जा रहे हैं, और आप भी सुबह से, मैं 7 बजे से मंदिर में ही हूँ। 7 बजे से मंदिर गए थे? हाँ, मंदिर भी गया था, अभी अंतिम दर्शन भी किया। जब पग भगवान के बंद हो जाते हैं अंदर, आधे घंटे सब लोगों को रुका के भगवान के आराम से दर्शन कराते हैं और भगवान की अनुभूति होती है। भगवान का अनुभूति होते हैं? भगवान का साक्षात अनुभूति होता है, ऐसे लगता है भगवान अपने को गले लगाने को खड़े और हम वहाँ पे याचक बन के खड़े और जो भगवान अपने को पुला रहे। क्या बताएंगे, अनुभव कैसे हुआ है दर्शन? अभी तो मैंने सुबह से 3 दर्शन कर लिए भगवान के, और तीनों बार मुझे अलग अलग अनुभव हुए और तीनों बार भगवान के अलग अलग श्रृंगार के मुझे दर्शन हुए, जो मुझे तो लगता है हर एक मनुष्य के लिए दुर्लभ है और हर एक को संभव नहीं। ये सिर्फ भगवान की कृपा होगी तभी संभव है, क्योंकि ये जगन्नाथ स्वामी है, ये असंभव को भी संभव करने में सक्षम है, और आज मैंने ये जान लिया उनकी संभवता देख के। जैसे मेरे यहाँ पे आना असंभव था, मैंने 1 दिन पहले हमने ट्रेन की टिकट निकाली और वो भी असंभव थी, ट्रेन भी कैंसिल हो रही थी, पर हमारी टिकट कंफर्म हो गई और हम यहाँ आ गए। यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं थी फिर भी हो गई, मैं दर्शन को आना चाहता था पर दूर था फिर भी मैं आ गया, और आज मेरा 8 दिन आया, मैं रोज यहाँ पे आया और मुझे आज असंभव था, जैसे ध्वजा देखनी उसका समय नहीं हो रहा था वो दिख गई। और मैंने एक और अचंभव हुए, मैंने सुबह 7 बजे जो मोर का पंख भगवान को अर्पण किया, वो जब मैं तीसरे बार अंतिम दर्शन करने गया तो वो वहां के पुजारी ने बिना कुछ दिए बिना कुछ बोले वो मोर का पंख मेरे हाथ में दे दिया जो मैंने चढ़ा था भगवान का आशीर्वाद समझ के। तो 2 घंटे वो चीज वहां पे रहना और वही बिना बोले उसने वापस कर देना, ये एक असंभव जैसी बात है इतनी भीड़ में, वो भी मुझे ही मेरी चीज मिलना। भगवान जी को तो इतना याद करते कि अभी मंदिर में गए तो मेरे आंसू निकल गए, भगवान को देखते ही मेरे आंखें नम हो गई थी, क्योंकि भगवान का जो अनुभूति है वो कभी जन्मों जन्मों तक भूल नहीं पाऊंगा मैं। आपका क्या पहली बार है? पहली बार आया, पहली बार में ही भगवान ने इतना अपना ऐसे अपना बना लिया कि अगली बार तो अभी आने के जल्दी होगी, क्योंकि वो भी बुलाएंगे, उनको भी उनने भी इतना प्रेम दिया कि वो भी रहने पाएंगे अभी तो ऐसा लगता है। इतना सब लोग जब दर्शन समय, ये तो फीलिंग आपका आया, क्षेत्र का फीलिंग आया, माला का फीलिंग आया, जो दर्शन में जब खड़े होते हैं भगवान जी के सामने, सब लोग एक एक अनुभव करते हैं, आप कैसे अनुभव? मैंने ये अनुभव किया जब मैं अंदर खड़ा था तो मेरे हाथ ऊपर उठ गए थे, तो मुझे लगा कि भगवान जी मुझे बुला रहे हैं, और भगवान जी जो भगवान आगे हाथ बढ़ा रहे हैं वो गले लगाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। और मैंने जब गरुड़ स्तंभ को जब गले लगाया तो आग बन के, तो ऐसा लगा कि भगवान को साक्षात मैं गले लगा रहा हूँ, जब पूरे गले लगे गरुड़ स्तंभ को। तो पूरी के बारे में तो क्या कहना, पूरी में समुद्र का स्थान, आज भी सुबह में समुद्र जी को प्रणाम करके पूरी में जब आते हैं तो कहते हैं 3 चीज जरूरी है, एक तो समुद्र का स्नान, जगन्नाथ जी के मन भर के दर्शन, और जगन्नाथ जी का भोजन। तो मैंने तीनों किया, सुबह आया जगन्नाथ जी के दर्शन, समुद्र के दर्शन किए, समुद्र में स्नान किया, उसके बाद जगन्नाथ जी के मन भर के दर्शन किए जो तृप्त हो गए आत्मा, उसके बाद जो उनका चावल का प्रसाद मिलता है वो लिया, और महाप्रसाद जो घर लेके जाने का रहता है वो लिया, और उसके बाद मेरी आत्मा को तृप्ति मिल गई।